है एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल सादिया सेना। सो गाइस, आज की क्लास में हम स्टार्टिंग एलिमेंट सीखने वाले हैं कि जब हम हमारी हाथों के डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग एलिमेंट्स हम किस तरीके से बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इस तरीके से रोज़ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लावर अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हो। तो रोज़ फ्लावर नेचुरल पेटल के साथ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। रोज़ के क्रिएट हो जाने के बाद अब हम एक छोटा सा बंच बनाएंगे और बंच को हम बाद में कनेक्ट करेंगे। तो एज इट इज़ अगर आपको शेडिंग पहले कर देनी है तो आप फ्लावर में फर्स्टली शेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे पहले बंच क्रिएट कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ हमारे हम्स को। हमारे स्पाइरल वाले हम्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ लीव्स की विंग्स क्रिएट करेंगे बोल्ड वाली। तो जैसे कि मैंने आपको बंचेस की वीडियोज़ में दिखाया था कि फ्लावर में हम्स, लीव्स और फ्लावर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने तीन चीज़ों को तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब आप ये तीन चीज़ों को दूसरी तरफ भी आप इसे बनाकर अपने बंच को एक्सटेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे हाफ फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ एज इट इज़। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दो फ्लावर से भी हमारे बंच को क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हमने ये भी सीख लिया यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दिल यहाँ पर बना दिए है, छोटे छोटे से हार्ट शेप्स। इसे एम्बोस की तरीके से फिल करेंगे। अब अगर आपको बॉर्डर लाइन देकर फिल करना हो तो इट्स ओके, आप ऐसे भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर चुकी हूँ हमारे डिज़ाइन को। अब वापस से लाइट एलिमेंट के लिए थोड़े से स्पाइरल्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक ब्लॉक है ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वन साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी जो स्क्वायर की एज थी उसे हमारे बंच ने टच कर दिया है। अब यहाँ पे हम लाइन को क्रिएट करेंगे, ये है बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन को अच्छे से हम यहाँ पे फिल करेंगे। बोल्ड लाइन के क्रिएट हो जाने के बाद ऊपर और नीचे दोनों की तरफ हम क्रिएट करेंगे थिन लाइन एज इट इज़। थिन लाइन के साथ हम क्रिएट करेंगे हम्स को, दोनों ही साइड पे हम हम्स को क्रिएट करेंगे। हम्स के क्रिएट हो जाने के बाद हम बॉर्डर लाइन को क्रिएट करेंगे। अब बॉर्डर लाइन हमने जो सीखी थी उसमें से आप कोई सी भी बॉर्डर लाइन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। एंड वापस से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारी बोल्ड एंड थिन लाइन साथ में हम्स। सो गाइस, बंचेस के जो वीडियोस थे उसकी मैं शेयर कर चुकी हूँ पिक्चर कम्युनिटी में, तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको भी मुझे कम्युनिटी में पिक्चर्स सेंड करनी है, अगर आप भी चाहते हो कि मैं कम्युनिटी में आपके पिक्चर्स सेंड करूँ, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हो। एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पे शेडिंग कर ली है। सारे फ्लावर्स में हम शेडिंग को कंप्लीट करेंगे। शेडिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्रिएट करेंगे हमारी फ्लावर में जो बोल्डनेस होती है ना, अच्छे से बोल्डनेस क्रिएट करेंगे हम, ताकि लाइट डार्क के कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस वेरिएशन में मैं बोल्डनेस को क्रिएट कर रही हूँ। यू कैन सी एवरी वन, बोल्डनेस तो क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक सेपरेट एरिया कवर करेंगे और ऊपर की तरफ वन स्ट्रोक्स के हम लीव्स को क्रिएट करेंगे। यू कैन सी और यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था उस स्ट्रक्चर में हम क्रिएट करेंगे हम्स। तो ऊपर की तरफ हमने क्रिएट किए थे स्पाइरल वाले हम्स, तो यहाँ पे हम सर्कल वाले हम्स को क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहो तो डॉट लेयर वाले हम्स को भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। इसी तरीके से सबसे पहले सारे जो एरिया में हम कवर अप कर देंगे। फिल हो जाने के बाद बाहर की एजेस को अच्छे से बोल्ड करेंगे और वापस से हम क्रिएट करेंगे एक थिन लाइन और उसके बाद हम हम्स को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग एलिमेंट्स को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे एक स्टार्टिंग एलिमेंट है जो कंप्लीट हो चुका है। अब ये हम हैंड्स पे किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, जब हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे तब आपको ईजीली पता चल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि तब आपको ये सब कुछ आता होगा, तो अच्छे से क्लास को कम्प्लीट करिएगा। सेकेंड में मैंने जो आपको फ्लावर्स की वीडियोस में सिखाया था वही सनफ्लावर में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो सनफ्लावर बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आते हैं, आप बहुत ही गौर से देखिएगा। अनइवन से सर्कल्स क्रिएट कर चुकी हूँ, पेटल्स को हम यहाँ पे
क्रिएट कर रहे हैं और पेटल को क्रिएट करते हुए हमारे बंच को, हमारे फ्लावर को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो है हम तीन फ्लावर वाला बंच क्रिएट कर रहे हैं, तो वापस से एजेस को सबसे पहले तो बोल्ड करेंगे हम। जब एजेस बोल्ड हो जाएगी ना हमारी, उसके बाद हम अदर फ्लावर्स को क्रिएट करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से सर्कल्स को क्रिएट कर दिया है। वापस से मैं यहाँ पे फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ, हाफ फ्लावर क्रिएट करेंगे हम, और सेम दूसरी तरफ भी यहाँ पर हम हाफ फ्लावर ही क्रिएट करेंगे। फ्लावर्स भी क्रिएट हो चुके हैं, तो अब हम लीव्स क्रिएट करेंगे। फ्लावर की शेडिंग हम बाद में क्रिएट करेंगे, उससे पहले हम लीव्स को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दो लीव्स और दो हम्स को क्रिएट कर चुकी हूँ मैं, और हमारी डिज़ाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे वापस से मैं बोर्ड वाले जो है वो लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। शेडिंग वाले जो हमारे लीव्स है उसे भी हमने बोल्ड कर दिया यहाँ पे, और हमारी जो हम्स की जो साइज़ थी ना उसे भी हम यहाँ पे बोल्ड कर रहे हैं। छोटे छोटे से सर्कल्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे बंच में हम यहाँ पे साइड लाइंस को क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो गाइस मैंने दोनों तरफ यहाँ पे साइड लाइन क्रिएट की है। फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ एक ही साइड पर साइड लाइन को क्रिएट किया था, एज इट इज़ दोनों साइड हम हम्स क्रिएट करेंगे और अपनी मर्ज़ी की बॉर्डर लाइन बनाएंगे। आप चाहो तो दोनों तरफ सेम बॉर्डर लाइन भी क्रिएट कर सकते हो और डिफरेंट बॉर्डर लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। वापस से बॉर्डर लाइन के बाद आपको हम्स क्रिएट करने और ऊपर से आपको मोस्टली क्रिएट करने होते हैं लीव्स। अब लीव्स भी आप अपनी मर्जी से कोई से भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने एक शेप लिया है और यहाँ पे एक स्ट्रेट शेप लिया है। आपको ध्यान से आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फिल कर चुकी हमारे स्पाइरल और एजेस को बोल्ड कर दिया है। शेडिंग्स को कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जो बंच है और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आए। आप चाहे तो आप यहाँ पे लेयर्स वाले हम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो है हम चेक्सिस को क्रिएट करेंगे दूसरे ब्लॉक्स में। एज इट इज़ यहाँ पे हमने शेडिंग वाले लीव्स को कंप्लीट कर दिया है और इसकी एजेस को भी हमने बोल्ड कर दी है। एजेस में हम जिगजैग वाली बोल्डनेस को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, इस लीव्स में जिगजैग बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो अब हम यहाँ पे पहले तो चेक्स करेंगे। नॉर्मल वाले पहले चेक्स आपको क्रिएट कर देने हैं लाइन उठाते हुए, और इसमें हम डिफरेंट फीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बाहर की बोल्डनेस को कम्प्लीट कर रहे हैं। बोल्डनेस के बाद थिन लाइन को क्रिएट करेंगे और थिन लाइन के बाद हम हम्स क्रिएट करेंगे। लीव्स की एंड अप डॉट्स के साथ हम यहां पे एंड करेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से स्क्वायर बना के इसे फिल करेंगे, और सारी में हम इसी तरीके से ब्लॉक्स में फिल करेंगे। फिर भी ये बहुत ज़्यादा 3D लगेगा। आप देखोगे कि ये चेक्स भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, डिज़ाइनर मेहंदी में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, तो आप ज़रूर से इसे क्रिएट करिएगा। ऊपर की तरफ हम डबल लेयर्स वाली इस तरीके से जो हमारी मोटी वाली लीव्स है ना, हम वो मोटी वाली लीव्स को क्रिएट करेंगे और इसी के साथ हमारी सेकेंड कम्प्लीट होती है डिज़ाइन। ये वाली बहुत अट्रैक्टिव है, आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं इस तरीके से डिफरेंट वाला रोज़ फ्लावर क्रिएट करूँगी। इसकी लाइंस आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस वेरिएशन में क्रिएट कर रही हूँ। लाइंस के क्रिएट हो जाने के बाद पेटल्स को क्रिएट करेंगे नेचुरली वे में। वापस से साइड में एक और हम फ्लावर को क्रिएट करेंगे। सिंपल जैस्मिन फ्लावर को हम वेवी पेटल्स के साथ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं।
अब हम एक सर्कल को बनाएंगे, तो हाफ सर्कल ऊपर और हाफ सर्कल नीचे डॉट पहले हम इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। फिर हम इसे एम्बोस करने वाले हमारे फ्लावर्स को, तो एम्बोस की गाइडलाइन को क्रिएट करेंगे। अब बची हुई जगह में आप स्पाइरल क्रिएट कर सकते हो या फिर सर्कल क्रिएट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे से जो है वो सर्कल्स को क्रिएट कर रही हूँ और सारी ही जगह में हम सर्कल्स को ही क्रिएट करेंगे। सर्कल से क्रिएट हो जाने के बाद हम बोल्डनेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अब हमारे फ्लावर्स में गाइज हम शेडिंग्स को कंप्लीट करेंगे। गाइज इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ भी आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो डिज़ाइंस को, स्टार्टिंग एलिमेंट्स को। अगर आप मुझे होमवर्क के क्लासेस वर्क में भेजना चाहते हो तो आप मुझे अपनी पसंद से भी कोई सी भी इस तरीके से स्टार्टिंग एलिमेंट बना के सेंड कर सकते हो। तो फर्स्ट हमने सीखा था कि हम एक तरफ साइड लाइन करके ब्लॉक बना के किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं स्टार्टिंग एलिमेंट, और सेकंड में हमने दो तरफ किया। जब हमने दो तरफ किया तो वन साइड हमने फिलर एलिमेंट लिया एंड सेकंड साइड हमने लिया है चेक्स एलिमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड एलिमेंट में हमने सर्कल्स को लिया है। सर्कल को बनाकर जब हम इसका एक बंच कंप्लीट कर देंगे तो हम इसे एक और न्यू वे में प्रेजेंट करेंगे। तो आप देखोगे कि अब हम यहाँ पे दोनों तरफ ही हमारी थिन लाइन को क्रिएट करेंगे। सो गाइज ये बोल्ड लाइन के बाद थिन लाइन भी कंपलसरी है और साथ में आपको सेपरेट करने के लिए हम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से क्रिएट कर दिए हमारे हम्स। हम्स के क्रिएट हो जाने के बाद हम अदर एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ हमारी ऑल टाइम लीव्स, लेकिन बोल्ड वे में हम क्रिएट करेंगे इसे। तो यहाँ पे ब्लॉक बनाते हुए हम इसे बोर्ड वाले इसमें क्रिएट करेंगे। टू डिफरेंट एंगल एंड टू डिफरेंट वे में हम यहाँ पे बना रहे हैं इसे। बॉर्डर लाइंस को भी एज इट इज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े से और अदर एलिमेंट्स को हम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं, साथ में हम्स को क्रिएट करेंगे। हम्स की जगह पर आप डॉट लेयर वाले हम्स को भी क्रिएट कर सकते हो। एंड अप करने के लिए हम लीव्स का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी चीज़ को एंड करनी हो, ऊपर से एंड करनी हो या नीचे साइड से एंड करनी हो, तो आपको लीव ज़रूर से इस्तेमाल करने चाहिए हमारे बंचेस में। अब हम यहाँ एक ब्यूटीफुल ब्लॉक बना रहे हैं, यू कैन सी। एक ही ब्यूटीफुल वे में हमने रिवर्स वाला जो है वो ब्लॉक यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो इस तरीके से एक ब्लॉक बनाकर हम यहाँ पे डॉट लेयर वाले हम्स को पूरी तरीके से फिल कर देंगे और आप देखोगे कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल नज़र आएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे डॉट लेयर वाले हम्स को क्रिएट कर देने हैं सारे डिज़ाइन में। सो हमारे यहाँ पे थ्री बंचेस की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है स्टार्टिंग एलिमेंट्स की। इसमें से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर अपना होमवर्क शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।